जिला अस्पताल में सरकार के दावों की खुली कलई, चिकित्सक उपलब्ध न होने से दो विभागों में लटके ताले, ताला लटका देख मरीज सरकार और अस्पताल प्रशासन को कोस रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना को धूमिल करने का काम करता दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य महकमा। यह हाल तब है जब डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आगरा के जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी देखी जा रही है। लंबे समय से लंबित हड्डी रोग विशेषज्ञ और अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ को ट्रांसफर के बाद रिलीव करने से दोनों विभागों में ताला जड़ दिया गया है, जिसके बाद मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताज नगरी के जिला अस्पताल में दूर दराज से हजारों की संख्या में प्रतिदिन मरीज और तीमारदार पहुंचते हैं। जब मरीज 80-90 किलोमीटर दूर से चलकर जिला अस्पताल आते हैं और विभाग में ताला लटका हुआ पाते हैं तो उन्हें हताशा और निराशा होती है। इसके साथ ही मरीज एवं तीमारदार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग को कोसते हुए भी नजर आते हैं। जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण हो चुका था, लेकिन उनको रिलीफ नहीं किया जा रहा था। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अशोक कुमार का कहना है, जिला अस्पताल में पहले से ही डॉक्टर की कमी के चलते भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं अब शासन के आदेश के बाद इन दोनों चिकित्सकों को रिलीव कर दिया गया है। मजबूर होकर दोनों विभागों में ताला जड़ना पड़ रहा है। सीएमएस ने माना कि मरीजों को ताला जड़ने के बाद में भारी परेशानी हो रही है, लेकिन वह भी मजबूर है। इसके साथ जिला अस्पताल पुराने पंखों को हटाकर रिमोट द्वारा संचालित पंखे लगाए जा रहे हैं, जो भीषण गर्मियों में मरीजों को राहत देने का काम करेंगे। जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से अल्ट्रासाउंड और हड्डी रोग विभाग रूप के बाहर एक टेम्पलेट भी चस्पा करा दिया गया है, जिस पर लिखा है कि डॉक्टर साहब का स्थानांतरण हो जाने के कारण अल्ट्रासाउंड का कार्य बाधित है। इस पैम्पलेट को पढ़कर मरीज वापस तो हो रहे हैं, लेकिन वह जिला अस्पताल प्रशासन को कोसते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण जिला अस्पताल इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उपचार न मिलने के चलते उन्हें अब प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सीमित साहब, देखने में आ रहा है कि जिला अस्पताल के कई भागों में ताला जड़ गया है, तो क्या कारण मानते हैं इसका, क्योंकि जो मरीज है वो लौट रहे हैं? हमारे जिला अस्पताल में ओपीडी में मरीज काफ़ी संख्या में आता है सर। इनके स्थानांतरण 30 जून के आदेश से हुए हैं, लेकिन हमने इन्हें रोका हुआ था क्योंकि इनको रिलीव करने से अव्यवस्था फैल जाती, लेकिन अब चूंकि ये 2 दिन पहले उच्च अधिकारियों के मेरे पास फोन आया कि ताला डाल दीजिए, लेकिन इनको रिलीव कर दिए। उस आदेश के तहत इनको रिलीव कर दिया गया है, जिसमें एक तो अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, उनका जो स्थानांतरण मैनपुरी जिला चिकित्सालय हो गया है, उनको रिलीव करके उनके कक्ष में ताला तो इसलिए डालना पड़ेगा कि करने वाला है ही नहीं कोई काम। इसी तरह हड्डी के डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी को भी ताला डाल दिया। ओपीडी में जो बैठने वाले नहीं है तो ताला डालना ही पड़ेगा। अभी तो और भी डिपार्टमेंट ऐसे हैं सर, अभी देखते हैं। ये अभी तो उनको दो को बोला था कि इनको रिलीव कर दीजिए आप। और ये कब तक हो पाएगी व्यवस्था सर? अब सरकार को तो मालूम है सर, पहले से ही मालूम था व्यवस्था होनी रही है, क्योंकि सरकार का खुद कहना है, खुद भी मानना है कि डॉक्टर्स की उनके यहाँ कमी है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।